100+ ब्रांचेज ऑल इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में भी है। तो मकून्स बाकी स्कूल से जो फैसिलिटी देता है, वन ऑन वन इंट्रैक्शन है, हमारा जो सिलेबस है वो कनाडा बेस है। जी बिल्कुल, हम सभी फेस्टिवल्स अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और कुछ ना कुछ बच्चों को उसके अकॉर्डिंग कराते हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और स्वागत है आप सभी का तेज तर्रार में। आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के हरिनगर स्थित मकून्स प्री स्कूल में। यहां पर आज मनाया जा रहा है 25 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस का त्यौहार यहां पर आज मनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये त्यौहार यहां पर आज मनाया जाएगा, जिस कारण आज हम यहां पर पहुंचे हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार स्कूल में किस तरीके से ये त्यौहार मनाया जाएगा, क्या बच्चे इस त्यौहार से खुश होंगे और क्या कुछ एक्टिविटीज़ जो है बच्चों के लिए करवाई जाएंगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे बच्चों से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार उन्हें कैसा लग रहा है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? कभी बैठे हो पैसे? कभी बैठे हो आप लोग? अच्छा, बैठे हो बग्गी पे कभी? नहीं, पहली बार बैठ रहे हो। एक्साइटेड हो? अच्छा लग रहा है? नहीं, मजा आ रही है हॉर्स पे बैठने में। मजा आएगी ना, एंजॉय करोगे ना? से यस शिवाशी, से यस शी यस। अच्छा, आप एक्साइटेड हो? यस यस। पहली बार बैठ रहे हो हॉर्स पे? मीशा से यस। तो देखिए, अभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं तो ज़्यादा कुछ ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं, पर इनकी बग्गी राइड जो है स्टार्ट करवाते हैं। जी मैम, स्टार्ट करवाइए। तो देखिए, इस इवेंट पर जो है सब बच्चों को यहाँ पर बोला गया था कि जो क्रिसमस स्पेशल क्लोथ्स होते हैं, यानी कि रेड और वाइट सांता क्लॉथ्स, वो सब बच्चे उस तरीके से वो क्लॉथ्स पहन कर आएँ ताकि क्रिसमस की बहुत अच्छी वाइब्स यहाँ पर आए। इसके अलावा स्कूल की तरफ से एक सांता क्लॉथ्स का भी अरेंजमेंट किया गया है। देखिए, ये बच्चों को जो है, आप बच्चों को स्वीट्स वगैरह देंगे? यस मैम। तो बच्चे खुश हुए थे आपको देखकर सांता? यस मैम, एवरीवन सो हैप्पी। तो देखिए, अभी ये बच्चे जो हैं बग्गी राइड पर जा रहे हैं। अब हम वो दिखाएंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो देखिए, इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की फाइनली बग्गी राइड जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और दिखाते हम चलते हैं कि कैसे इन लोगों को यहाँ पर लग रहा है, जितना कोशिश करेंगे हम दिखा पाएँ। तो देखिए, यहाँ पर इन बच्चों की ये बग्गी राइड है, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रही है? मज़ा आ रहा है, बोलो मज़ा आ रही है। तो देखिए, बच्चे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा डरे भी हुए हैं। बच्चों के फेस पर डर लग रहा है थोड़ा इस बग्गी राइड में, बट एक तरीके से क्रिसमस को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए स्कूल वालों ने बच्चों के लिए इस पूरे प्रोग्राम का आयोजन करा ताकि बच्चे खुश हों, उन्हें कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस मिल पाए। और इस तरीके से जो है यहाँ पर ये बग्गी राइड स्कूल द्वारा करवाई जा रही है। देखिए, हम ये बग्गी भी जो है काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड है क्रिसमस थीम में ही। तो देखिए, ये लोग गए बग्गी राइड के लिए, अब हम लोग वापस से चलते हैं वहाँ पर, और जैसे बच्चे आएंगे उनके आने के बाद उनसे दोबारा से पूछने की। तो देखिए, यहाँ पर बच्चे जा चुके हैं बग्गी राइड के लिए, जैसे ही वो लौटेंगे दोबारा से एक बार उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है काफ़ी छोटे हैं तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ बताना नहीं आ रहा। तो एक बार फिर से ट्राई करेंगे पूछने की कि आखिरकार उन्हें कैसी लगी वो बग्गी राइड। तो आइए, इतने हम उन लोगों को वेट करते हैं। तो देखिए, ये बच्चे वापस लौट चुके हैं अपनी बग्गी राइड से, अब इनसे पूछने की एक बार कोशिश करते हैं कि कैसी ये राइड रही। मजा आया आपको? हाँ, बहुत मजा आया। आपकी कैप गिर गई। मजा आया? मजा आया? हाँ, आप बताओ, मजा आया? हाँ। आप तो बैठे रहिए, अभी दूसरे बेबी। हाँ, मजा आया बेबी? लाउड स्पीक दूसरी पर। मजा आया? बताओ। अच्छा, बच्चे तो देखो ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहे हैं, आप ही बता दो कैसा रहा, बच्चों को मज़ा आया इसमें? बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से बच्चों ने राइड इन्जॉय करी, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। मज़ा
देखिए यहाँ पर सभी बच्चों को दोबारा से जो है दूसरे राउंड वाले बच्चों को इस बगी राइड के लिए ले जाया जा रहा है, पर इनसे भी पूछते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मजा आएगा इसमें राइड में, मजा आएगा जिसने। अच्छा पहले आप कभी गए हो इस राइड में? पहले गए हो? कब गए? रात को घर पे गए हो पहले राइड में? आओ जसकीर, मजा आएगा इसमें। दीदी इसको इससे साथ ले लेंगे आप, मैम इसको रहने दो, रो रहा है। क्या बनकर आए हो आप? ये क्या बनकर आए हो आप बता दो, बनकर आए हो आप? इतने क्यूट लग रहे हो आज। तो देखिए हम लोग भी अब इस बग्गी में बैठ चुके हैं बच्चों के साथ, उनसे यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए बग्गी स्टार्ट हो चुकी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। पहले आप बैठे हो यहाँ पर, पहले बैठे हो बग्गी में? आपको मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? पहली बार बैठे हो बग्गी में? अच्छा आप बताओ आपको मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। पहली बार बैठे हो? हमेशा बैठो क्या? भैया बड़ा राउंड कटवाना रोड चल गया। मजा आ रहा है? पहली बार बैठे हो आप? आपका नाम क्या है? क्या नाम है? शिवांश। शिवांश कहाँ पे रहते हो आप? पास वाली गली में। पास वाली गली में? पास से ही आते हो आप स्कूल में? तो देखिए यहाँ पर ये बच्चे तो है कितना ज़्यादा मज़ा इस बग्गी राइड का ले रहे हैं। सांता क्लॉज का यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है मकून्स प्री स्कूल द्वारा। तो देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा खुश हैं बच्चे और कितना ज़्यादा इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि मतलब प्रॉपर क्रिसमस वाइब्स लग रही हैं, जैसे कि क्रिसमस में होता है उस तरीके से यहाँ पर क्रिसमस वाइब्स लग रही है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, इसके साथ ही हमें भी मज़ा आ रहा है सच बताऊँ तो। तो आप बताइए आप कौन सी क्लास को यहाँ पे देखते हैं? नर्सरी क्लास में। तो बच्चों को मैनेज करना आसान होता है? हाँ इजी होता है ऐसा, नर्सरी क्लास में मेन होता है पीजी क्लास में बच्चों को टैगल करना, नर्सरी क्लास में वो प्रिपेयर होके आते हैं, मेन फोकस स्टडी पर ही होता है बच्चों का नर्सरी क्लास में, तो मज़ा आता है इन्हें पढ़ाने में। हाँ बहुत मज़ा आता है। देखिए हम लोग तो लौट आए हैं इस अमेजिंग सी राइड से और बच्चे भी यहाँ पर आए, उन लोगों को बहुत ही मज़ा आया। मज़ा आया ना? बहुत मज़ा आया ना? तो देखो इन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मज़ा आया? यस। तो देखिए स्कूल के ओनर पूजा कपूर जी हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिरकार तब से स्कूल है, क्या पर्पस है इनका यहाँ पर। तो जी मैम मकून्स हमने स्टार्ट किया था मार्च 2020 में, हमें ऑलमोस्ट 4 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं स्कूल खोले हुए, और मकून्स की 100+ ब्रांचेज ऑल इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में भी हैं। तो मकून्स बाकी स्कूल से जो फैसिलिटी देता है, 1-on-1 इंट्रैक्शन है, हमारा जो सिलेबस है वो कनाडा बेस है, ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी से हमारा सिलेबस बन करके आता है बच्चों के लिए, हम उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। आज हमने यहाँ पे क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, तो बच्चों को बगी राइड और कुछ फन सेंटा के साथ पार्टी वगैरह करवा रहे हैं। जैसे कि आज आप लोगों ने क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी है, तो बाकी त्यौहारों पर भी यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ होता रहता है? जी बिल्कुल, हम सभी फेस्टिवल्स अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं और कुछ ना कुछ बच्चों को उसके अकॉर्डिंग कराते हैं। यहाँ पे मतलब बच्चों को मज़ा आता है आकर? बिल्कुल, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं यहाँ पर आकर। तो जैसे जो मकून्स ब्रांच है वो ऑल ओवर दिल्ली है, ऑल ओवर इंडिया है, बल्कि बाहर भी कुछ कंट्रीज़ में है, तो वो सभी 2020 में स्टार्ट हुई थी? नहीं, मकून्स को स्टार्ट हुए 2015 से मकून्स स्टार्ट हुआ है, ये हरिनगर ब्रांच 2020 में स्टार्ट हुई है। तो देखिए यहाँ पर मकून्स का पूरा स्टाफ हमारे साथ मौजूद है, इन लोगों के साथ भी जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस इन लोगों का यहाँ पर रहता है। जी आपका नाम? एकता। अच्छा आप बताइए आप क्या पढ़ाते हैं यहाँ पर? या मैं केजी क्लास पढ़ाती हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहता है? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, बच्चे बहुत अच्छा ही है, सब अच्छा है।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरा तो फ्रेशर हूँ मैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मेरा फर्स्ट स्कूल है तो एज अ फर्स्ट स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पूरा सपोर्टिव है सब कुछ? बहुत सपोर्टिव है, प्रिंसिपल भी सपोर्टिव है और पूरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं कुकिंग, मैं नर्सरी क्लास को पढ़ाती हूँ और बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ का, प्रिंसिपल तो बेस्ट है स्कूल के। आप बताइए। मुझे 1 ईयर हो गया स्कूल में और मुझे, मैं डांस टीचर हूँ और सब बच्चे इंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा नाम राधा है, मैं यहाँ मकूंस में प्ले ग्रुप क्लास लेती हूँ और यहाँ का स्टाफ काफ़ी हेल्पफुल और प्रिंसिपल काफ़ी अच्छी है बिहेवियर वाइज भी, और लाइक शी इज़ लाइक अ मेंटोर फॉर ऑल गर्ल्स। जैसे बच्चे यहाँ पर आते हैं तो आप लोग पूरी पूरी कोशिश करते होंगे उनके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट बनाने की? ऑब्वियसली मैम, कि लाइक सेफ रहें, वो इंगेज रहें और इन्जॉय भी करें, फुल डे उनका बहुत ही एक्टिव रहे और बहुत ही अच्छे से बहुत सारी चीज़ें वो सीखे भी। आप बताइए। मेरा नाम करीना है, मैं न्यू ज्वाइनिंग हुई यहाँ पर, मुझे 1 मंथ हुआ है एंड काफ़ी अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट है, काफ़ी फ्रेंडली है, सो मेरा फर्स्ट स्कूल है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बच्चों को पढ़ाने में यहाँ पे मज़ा आता है? हाँ जी। क्या पढ़ाते हैं? मैं नर्सरी क्लास को पढ़ा रही हूँ। हाँ जी। मेरा नाम प्रिया है और मैं सीनियर केजी की टीचर हूँ, तो मुझे 1 साल हो चुका है इस स्कूल में और काफ़ी अच्छा है सब कुछ, टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव है एंड एज अ टीचर आई हैव ग्रोन हियर एज अ टीचर। आप बताइए। हम तो ये बच्चे को ही देते हैं स्टाफ हेल्पिंग, तो बच्चों को संभालने में कुछ मुश्किल तो नहीं होती? आप तो बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों के साथ, सारे टेंशन फ्री हो जाते हैं, आके एंजॉय कर जाते हैं बच्चों के साथ ना, नए नए बच्चों के साथ भी माने अच्छे लगते हैं इसके काम। जी आप बताइए। जी मैम, यहाँ पर आप क्या करते हैं? बच्चों की देखभाल करते हैं। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती आपको? 2 साल हो गए हमको रहते हुए, बच्चों के साथ बढ़िया लगता है। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है? हाँ जी। हाँ से? अभी तो ये इससे थोड़े दिन पहले एडमिशन है, लेकिन इससे पहले भी ये पढ़ता था। अच्छा है ये स्कूल, मज़ा आता है इसमें बच्चों? काफ़ी बहुत अच्छा है और हमारा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सो आप बच्चे से भी पूछ सकते हो। विहान, आज मज़ा आया आपको क्रिसमस पार्टी में? हाँ। मज़ा आया? बोलो। ये करी थी राइडिंग, करी थी हॉर्स राइडिंग? हाँ। मज़ा आया। कौन सी क्लास में हो आप? केजी। तो देखिए यहाँ पर सांता जो है इस वक्त बच्चों को गिफ्ट दे रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, जो बच्चों को सबसे अच्छी चीज़ लगती है क्रिसमस पर इस तरीके से सांता के हाथों से गिफ्ट पाना, तो वहाँ पर ये भी मिल रहा है। देखिए नर्सरी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जो लोग सांता के हाथ से इस वक्त गिफ्ट ले रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर? अच्छा रहा। कब से पढ़ रहा है आपका बच्चा? अगस्त। अच्छा है, बच्चे को मज़ा आता है यहाँ पर पढ़ने? वो खूब इंजॉय करती है। आपको कैसी लगी क्रिसमस पार्टी? आपको कैसी लगी? अच्छा स्टार्ट, क्रिसमस पार्टी कैसी लगी? कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? से गुड। हरिनगर स्थित
मकून्स प्री स्कूल में आज हम आप लोगों को लेकर आए यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेशन आज बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, जो हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया यहाँ पर, देखा कि किस तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनके साथ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। खास तौर पर हमने बच्चों से भी जुड़ने की कोशिश करी, इसके साथ ही हमने बच्चों के साथ वो टांगर राइड भी ली जहाँ पर बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कराया। यानी कि अगर मैं मकून स्कूल की बात करूँ तो यानी हर एक तरीके से ये प्री स्कूल के बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को एंगेज रखते हैं, हर एक त्यौहार में इनके साथ जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। टीचर्स का स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। अगर मैं स्कूल की लोकेशन की बात करूँ तो ये हरिनगर में लोकेटेड है, वहाँ पर आपको लोकेशन दिख जाएगी। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये हरिनगर में सिचुएटेड ये स्कूल है, हाउस नंबर 320 BE ब्लॉक स्ट्रीट नंबर 5 हरिनगर। और यहाँ पे नंबर्स भी दे रखे हैं, अगर आपको भी अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाना है तो आप इस नंबर से कॉल करके या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आकर बच्चों को एनरोल करवा सकते हैं। देखिए क्लासेस का भी नाम जो है बता रखा है कि कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पे पढ़ाई जाती है, और अभी एडमिशन्स यहाँ पर चालू हैं, तो अगर आपको भी अपना बच्चे को यहाँ पर भिजवाना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से सपोर्टिव स्टाफ यहाँ पर मिलता है और बच्चे कितना इन्जॉय करते हैं। अपनी राय हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन अवनीश राणा के साथ मैं आंचल मित्तल।